नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24x7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनता जनार्दन न्यूज 24x7 की टीम ने आज फिरोजाबाद जनपद के नारकी चतुर्थी से जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि श्री पुष्पकांत दिवाकर जी से की खास मुलाकात। 2022 चुनाव के अहम मुद्दे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी व किसान है। अभी तक वर्तमान सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं करवाया। विकास कार्यों के नाम पर सिर्फ समाजवादी पार्टी में कराए गए कार्यों का ही पीता काटा गया है। किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार के लोगों को नौकरी व अन्य आर्थिक सहायता दिलवाने का कार्य करेंगे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में छात्र, किसान, व्यापारी, उद्योग धंधे आदि सभी वर्गों का विकास कार्य करवाया गया था। 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम में प्रचंड बहुमत से बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। वार्ड नंबर 17 से जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि पुष्पकांत जी और बड़े जी से नमस्कार सर। नमस्कार जी, सब लोगों को मेरा प्रणाम और सर, सबसे पहले आप हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 17 वासियों ने जो आपको सर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि बनाया है, सर हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों का आभार आप कैसे व्यक्त करना चाहेंगे? मैं वार्ड नंबर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभारी हूँ उन लोगों का। मैं पहली बार जिला पंचायत का चुनाव 17 नंबर वार्ड से लड़ा जी, तो मुझे उन्होंने जिताने का बहुत प्यार दिया और मुझे बहुत अच्छे वोटों से जीत हासिल कराई, तो मैं इसलिए उन लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ और हमेशा आभारी बना रहूँगा। बड़े जी, आप पार्टी में बहुत एक सक्रिय रहते हैं, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं जो आपने विधानसभा की जनता के बीच जो भी जनसंपर्क कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है ऐसे कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन से मुद्दों को लेकर आप जनता को बता रहे हैं जिससे जनता आपकी पार्टी को वोट करेगी? बहुत से मुद्दे हैं जी। समाजवादी पार्टी की जो हमारी पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो घोषणा किया सब, तो उनको लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं जी। और जनता भी समझ चुकी है, बदलाव की लहर चल रही है जी। आप भी देख रहे हो जी। तो हम यही मुद्दा हमारा के जो किसानों का कि रात में किसानों की ड्यूटी खेत पर लग रही है, बेचारे घर पर नहीं सो पा रहे जी। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि हमारे पास भी ज्यादा नहीं है, 5 बीघा खेत है, वो भी गेहूं ने खा लिया जी। तो गेहूं नहीं होंगे तो फिर बच्चे कहाँ से खाएंगे? सर, जो आप किसानों की बात कर रहे थे, आपने देखा हुआ सत्ता पक्ष का दावा ये कि फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में 36,000 करोड़ किसानों को कर्जा माफ किया गया था। इसी के साथ आपने देखा हुआ पीएम सम्मान निधि 6,000 पर इंस्टॉलमेंट में दी जा रही है किसानों को। इसी के साथ आपने देखा होगा फर्स्ट एवं सेकंड कोविड वेव के दौरान फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दिया गया। अभी आपने देखा हुआ रिसेंटली मार्च तक कर दिया गया। सत्ता पक्ष कहता है किसानों की आय दोगुनी हो गई। सर, आपको क्या लगता है किसानों की आय दोगुनी हुई है नहीं हुई? मेरे हिसाब से दोगुनी तो ज्यादा बता रहे, 4 गुनी हो गई। कैसी सर? जो भी किसानों का था वो सब लूट गया जी। आलू भी लास्ट में फिक गया, आपने देखा होगा किसानों का, मेरे भी फिके हैं 200 बोरे सड़ गए, किसी ने नहीं लिए जी। बोरी आ रही है आलू की 36 रुपए की पैकेट खाली, उसका भी पैसा नहीं मिला जी। तो दुगनी आय कैसे हो जाएगी? इनकी नजर में होगी, होगी। छोटे मोटे किसान है बेचारे, रात भर खेत पर रहते हैं, गाय उनका खेत खा रही है जी, कोई रखवाली नहीं है। अगर गाय हम मानते हैं राष्ट्रीय पशु है जी, हम भी गाय माता की पूजा करते हैं जी, तो उनकी व्यवस्था कराई जाए। किसान उससे बहुत परेशान है, गौशाला में रहे, गौशाला में देखिए हमारे यहाँ पास में कोई गौशाला नहीं है, नारकी में जी। तो नारकी में गौशाला पे हमने अपनी आंखों से देखा है कि गाय बेचारी भूख से, प्यास से पानी भी नहीं मिल रहा है, खाने की तो बात बहुत बड़ी बात है, ऐसे मर रही है बेचारी तड़प तड़प के, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये क्या है, क्या राष्ट्रीय पशु घोषित कर रहे हैं हमारे पाव मुख्यमंत्री जी? सर, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, आपने देखा हुआ आप ही राजनीति में सक्रिय रहते हैं, आपने देखा हुआ 20 या 25 दिन से राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा आया हुआ था, व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष का नाम ना देते हुए आपसे हम सर ये जानना चाह रहे हैं, चुनावी लड़ से जो महारथी इधर से उधर भाग के जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है जो महारथी ही गए या इनसे जुड़ा हुआ वोट बैंक में ट्रांसफर हुआ, आपका आकलन क्या है इसके बारे में? देखो, वोट तो जहाँ था वही है, भारतीय जनता पार्टी का वोट खिसक के जो दलित बिछड़े, जो हमारे खासकर हमारे दलित समाज का जो उत्पीड़न हुआ है जी, वो सब वोट हमारी समाजवादी पार्टी के साथ आ गया है, वापस होकर लौट आया। पिछली बार दलित लोगों ने बहुत वोट दिया था जी, उम्मीद जताई थी भारतीय जनता पार्टी से, पर ये अपनी उम्मीदों पर खड़े नहीं कर पाए, इसलिए अब इनको वोट नहीं देंगे। समाजवादी की बहुत हवा चल रही है, बहुत आंधी चल रही है और समाजवादी की पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि सूबा साफ हो जाएगा बीजेपी, तो आप देख रहे हो कि इतनी हवा चल रही है, इतनी हवा चल रही है हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार जी,
350 के पार सीटें जा रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष गठबंधन की, लोकदल और महादल जितने भी हमारे गठबंधन है और सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सब कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ लगे हुए हैं और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है 2022 में। बड़े जी क्या बताने का प्रयास करेंगे, यदि समाजवादी पार्टी की सरकार 10 मार्च 2022 को सत्ता में आती है तो किसानों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? किसानों के लिए सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल ही घोषणा की है जी कि जो ये गाय घूम रही हैं, उनकी प्यासी मर रही हैं, तो ये माने चलो हर ब्लॉक पर 5 गौशाला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इनकी व्यवस्था करेंगे, इनको चारा पानी व्यवस्था इनकी होगी और किसानों की आय MSC खत्म करी जाएगी। किसान अपने हिसाब से तो हमारे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे गौशाला बनाने का काम करेंगे सबसे पहले, जो किसानों को दिक्कत ना हो, किसानों की फसल सेफ रहे, गाय नुकसान ना कर पाए तो उनको गौशाला में ही व्यवस्था होगी खाने पीने की उनकी सबको। और रही बात यह छोटे किसान हैं हमारे, उनके लिए हमारे राष्ट्रपति जी ने कल घोषणा की है, कल क्या वो तो रोज घोषणा कर रहे हैं कि छोटे किसान को 3 बोरी यूरिया फ्री, 2 बोरी DAP फ्री, 1 साल में 5 बोरी हरेक किसान को, हरेक परिवार को मिलेगा, तो इससे हमारे किसान को बहुत लाभ होगा। अच्छा अभी जो ट्यूबवेल के और पानी जो किसानों को मिलता है वो मिल रहा है 125 रुपये घंटा 150 रुपये घंटा, तो जब सिंचाई जब ट्यूबवेल का बिल ही नहीं आएगा, किसान का मुक्त हो जाएगा, तो वो पानी जब किसान से बिल नहीं जाएगा, ट्यूबवेल वाले का बिल नहीं लगेगा, तो वो पानी भी तो कम देगा किसान को, कम रेट पर देगा फिर वो पानी, तो वो पानी मिलेगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 रुपये घंटे पर, तो ये किसान का फायदा होगा। तो इससे इनने नहीं आज भी नहीं कर पाई, पर हमारे राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी इनकी किसानों की दाई मतलब इनका दूना फायदा कर देंगे, डबल कर देंगे। सर सत्ता पक्ष का दावा ये है कि जो सड़कें हैं सर, जितनी भी सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त हो गई हैं, आपको सर क्या लगता है सड़कें उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हुई या नहीं हुई? सबसे पहले तो मैं अपने गांव बछगांव की सड़क है आप गुजर के आए जी, अभी तो बारिश नहीं है, बारिश अगर होती तो शायद आपकी गाड़ी भी यहाँ फंसी जाती हमारे महादेव मंदिर के पीछे, आपने देखा हालत, हमें इतने पर हमारे गांव का रोड नहीं बनाया तो हमें क्या मालूम कहां गड्ढा मुक्त हुआ रोड, इधर तुम नार की तरफ चले जाओ कहीं भी चले जाओ। इनने जो भी विकास कराया है अपने हिसाब से कराया, भेदभाव के हिसाब से विकास हुआ है सरकार, इस बात को मैं पूरी हूँ। 1 साल हो गई मुझे यार जिला पंचायत सदस्य हुए, हमारा क्या मतलब है, हम जनता से वोट मांगे, जनता ने हमसे कितनी आस करी कि हमारा नल लगवा देना भाई साहब, छोटी मोटी निजी समस्याएं थी, हमें कोई 1 साल में किसी ने कुछ नहीं पूछा, मीटिंग में जाते हैं चाय पी के घर आ जाते हैं और हमें कोई काम नहीं, बोल दिया आप तुमको बाद में जाएंगे। सर जिला पंचायत सदस्य जो आपको वार्ड नंबर 17 के युवाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे, यदि आपकी पार्टी सत्ता में आती है युवाओं को किन किन माध्यमों से रोजगार या खेल के मैदान या कुछ ऐसे आपने सोचा होगा, यदि आपकी पार्टी सत्ता में आती है तब क्या आपकी कार्य योजना में क्या सोच रखा है, क्या दे रखा है? सबसे पहले तो मैंने अपने कार्य योजना में मेरे बारे में खास जी जहाँ स्कूल की व्यवस्था नहीं तो मैं राष्ट्रीय से गुहार लगाऊंगा कि जहाँ पर स्कूल की व्यवस्था नहीं है तो स्कूल बनाए, तो बच्चा जहाँ अशिक्षित है ये दूसरे गांव से दूसरे स्कूल में जा रहा है, अब व्यवस्था नहीं है, अब तुम देख रहे हो एक स्कूल में 3 टीचर हैं, 5 क्लास लग रही है, जूनियर में 8 क्लास लगती हैं, वहाँ भी 2-3 टीचर हैं तो क्या बच्चे पढ़ेंगे, एक ही टीचर दो तीन क्लास में होमवर्क कर रहे हैं, तो ये भी मांग कर रहे हैं कि उनकी व्यवस्था हो। और युवाओं के लिए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोली रखा है कि सेना में भर्ती कराएंगे, पुलिस में भर्ती कराएंगे, पूरा प्रयास होगा कि हमारा युवा बेरोजगार न घूमे, उनको रोजगार नौकरी की व्यवस्था पूरी करा जाए। सर सत्ता पक्ष का आपकी पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा आरोप रहता है कि फर्स्ट वेव सेकंड कोविड वेव की जो वेव आई थी उस दौरान क्या चीज हुआ था, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता वरिष्ठ पदाधिकारी वरिष्ठ नेता फील्ड में जाके जनता के बीच सर मदद नहीं की, अब आप लोगों ने इलेक्शन को देखते हुए जनता के बीच जनसंपर्क करना स्टार्ट कर दिया, आपको क्या लगता है आपकी पार्टी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं निराधार हैं या सही हैं? ये सब आरोप जो लग रहे हैं गलत हैं जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आपने देखा होगा नखड़ों में जी जी खूब मदद करी लोगों की, और हमारे जयंत चौधरी तो यहाँ पे हाथरस पे आए थे मदद के लिए, वो जो यहाँ पे जो लड़की ने जिंदा जलवा दिया और घर वालों को शक्ल भी नहीं देखने दी, तो उन पर जयंत चौधरी पे आपने वीडियो देखा उन पर भी लाठियाँ हो जाती थी, तो हमारी सरकार ने तो इतना मदद किया, हम खुद गए थे यहाँ पर ये पैदल लोग निकल रहे थे यहाँ से जी। तो ये नखलू वाला जो हाईवे बनाया हमारे अध्यक्ष जी ने बनाया था ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उस पर खड़े होकर हमने खुद 1 हफ्ते वहीं पर लंगर चलाया था, सबको खाना खिलाने का हमने काम किया था,
साथ में रहते, हमारे बीएम सिंह ठेकेदार भी थे वहाँ पर और हमारे ये एमएलजी डॉक्टर दिलीप यादव भी थे वहाँ पर। बहुत लोग हम वहाँ पर रहते थे, सुबह पहुँच जाते थे अपना सामान वामान लेके और वहीं भट्टी भट्टी चला के पूड़ी वूड़ी वगैरह चावल वावल और सबको खिलाते थे उनके बेचारे जा रहे थे। उनको हमें बहुत पानी वानी सब व्यवस्था होनी चाहिए और दवा ववा छोटी मोटी चीज़ें हमें कराएंगे रोड पर बैठ के। ये तो सब झूठा वाला। बड़े सर आपने अपने यहाँ 20 फरवरी को जो वोटिंग हो रही है हमारे चैनल के माध्यम से, आप जिला पंचायत स्तर पे है या सरपाल की जनता है या विधानसभा की जनता, कोई मैसेज देना चाहेंगे 20 फरवरी के लिए? मैं 20 फरवरी 2022 में मैं ये अपील करता हूँ अपने बाढ़ की जनता से और पूरे टूरला विधानसभा की जनता से कि हमारे यहाँ से प्रत्याशी हैं राकेश बाबू एडवोकेट जी। मैं यही अपील करूँगा हाथ जोड़ के सब लोगों से कि राकेश बाबू को भारी वोटों से विजयी बनाने का कार्य हमारे सब पूरे टूरला विधानसभा की जनता करेगी और कर रही है, देख रहा हूँ और क्षेत्र में घूम ही रहा हूँ। राकेश बाबू को जिताने का पूरा प्रयास करेगी हमारे बाढ़ की जनता और टूरला विधानसभा की जनता। बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं वो, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। आप देख रहे थे हमारे साथ उपस्थित थे पुष्पांत दिवाकर और बड़े जी, उन्होंने बड़े स्वभाव से बताया 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा के परिणाम में समाजवादी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ करेगी वापसी। धन्यवाद।